जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमने तो शायद किसी और कंटेस्टेंट को बोला होगा, पर वो एडिट करके हमारे में डाल दिया था। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू एग्जीक्यूशन की होती है। अच्छा बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिस्क लेना पड़ता है, जो वैल्यूएशन, फंडिंग, गुड आइडिया, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। जरूरी नहीं है कि हर स्केलेबल बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे जिसका नाम है कमाओ और कमाने दो। थैंक यू। सभी ने आपको शार्क टैंक इंडिया में देखा, तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको शार्क टैंक के बारे में पता कैसे चला और आपकी जो जर्नी थी, आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? शार्क टैंक आई हैव बीन अ एवेड फॉलोअर। शार्क टैंक यूएस काफी फॉलो करता ही था, तो एवरी न्यूज रिलेटेड टू शार्क टैंक किसी ना किसी तरीके से तक पहुंच ही जाती थी। तो आई थिंक जब ऐप पे आया, विच वॉज आई थिंक लेट जुलाई, उसके पहले ही मुझे पता चल गया था कि शार्क टैंक इंडिया स्टार्ट होने वाला है। तो आई हैड सब्सक्राइब टू अ फ्यू पेजेस, तो उस वजह से आई वॉज अहेड इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग टू द शो। सो शार्क टैंक में आने के बाद में आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में क्या चेंजेस आए? लाइफ में तो ऐसे कोई चेंजेस नहीं आए। पर्सनल लाइफ ऑब्वियसली हैज बीन बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गुड, बट एज फार एज बिजनेस लाइफ इज कंसर्न, ऑफ कोर्स एक पीआर, एक क्रेडिबिलिटी का फर्क पड़ता ही है जब आप एक नेशनल टीवी फोरम पे आते हो प्राइम टाइम पे। बिजनेस हम ऑलरेडी स्केलिंग लेवल पर थे, बट शार्क टैंक में आने के बाद काफ़ी ब्रांड्स ने हमें सामने से भी अप्रोच करना शुरू किया, और क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एजेंसीज भी काफ़ी बढ़ गई। सो आई थिंक इन द लास्ट 3 मंथ्स हमने इन इन वन वे और दी अदर काफ़ी ज़्यादा स्केल अप कर लिया है। एंड या जस्ट द बिगिनिंग। तो शार्क टैंक इंडिया के अंदर पीयूष बंसल ने आपको एक डील दी थी 33% इक्विटी के लिए 2 करोड़ रुपीज़। सो अनफॉर्चुनेटली वो डील नहीं हो पाई। सो यू नो, शार्क टैंक के बाद कभी भी आपको ऐसा लगा कि अगर हो जाती तो शायद अच्छा होता, ऐसे नहीं कुछ? नहीं ज़रा भी नहीं। इनफैक्ट जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमने तो शार्क टैंक के बाहर आके फंड रेज किए अच्छा, एट मच हायर वैल्यूएशन। ओके इनफैक्ट अभी हमारा नेक्स्ट सीरीज ए भी स्टार्ट होगा इन इन अ कपल ऑफ क्वार्टर्स फ्रॉम नाउ। एंड एज फार एज लेंसकार्ट इज कंसर्न, ऑफ कोर्स वी आर इन टच विद देयर टीम। शायद इन्वेस्टमेंट नहीं, पर बिजनेस तो डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स विद देम। बट काफी अच्छा फीडबैक मिला, सो वी आर हैप्पी अबाउट द एंटायर जर्नी। और इन केस अगर जितने भी शार्क्स थे उनमें से किसी से भी आपको डील मिलती तो कुछ आपके बिजनेस में फर्क पड़ता कि जो अभी जैसा है उसमें कुछ चेंजेस आते या फिर सेम टू सेम वैसे ही होता? नहीं तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है। ऑफ कोर्स शार्क ब्रिंग एनी शार्क वुड हैव ब्रॉट अ प्रीमियम टू द कंपनी, और क्रेडिबिलिटी और बढ़ती, स्केल अप करना। सी पैसा इज नॉट एवरीथिंग, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस इज वॉट वी वॉन्टेड। पैसा तो हम अभी भी रेज कर रहे हैं, बट उस समय हमें नहीं लगा था कि इतना ज्यादा प्रीमियम हम किसी शार्क को दे सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वी वर द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू वॉक इन साइड द सेट, एंड हमारी भी पहले पिच थी और शार्क्स भी पहली बार ही किसी को सुन रहे थे। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, तो आई थिंक उसका एडवांटेज भी था और उसके डिसएडवांटेजेस भी थे। बट वी हैव टेकन इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हमें वी आर श्योर कि आगे भी रास्ते खुले ही हैं। वी आर स्टिल इन टच विद देम इन वन वे और दी अदर। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग। तो सर, जो शार्क टैंक इंडिया के अंदर आपने जो डेमो दिखाया था बहुत ही जबरदस्त था। मैंने तो आपसे पहले, मतलब शार्क टैंक इंडिया में देखने से पहले कहीं पे भी किसी को, कोई कंपनी को ऐसा करते हुए देखा नहीं। तो हाल फिलहाल में इंडिया में खाली आपकी कंपनी उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है या कोई और भी कंपनी है जो काम कर रही है? नहीं तो टेक्नोलॉजी बेसिकली एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की है। इट इज नॉट जस्ट दैट वन प्रोडक्ट। होलोग्राम्स तो हमने शुरू किया था 2017 में, और शार्क टैंक में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को डिस्प्ले करना इजी होता है रादर देन टॉकिंग अबाउट सर्विस। सर्विस के बारे में हमने काफी बात करी थी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स, वो चैट बॉट्स, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस। बट ऑब्वियसली उनका एक फॉर्मेट है तो पूरे 2 घंटे की पिच तो दिखाएंगे नहीं। बट एज फार एज प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड, जो हमने वहाँ पे जो 3-4 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए थे, देर आर अदर कंपनीज ऑल्सो डूइंग इट। बट हमारा फोर्टे सिर्फ कॉन्टेंट है कि अच्छा। जिस तरीके का, वी आर नॉट वेंडर, वी आर एन एजेंसी जो कंटेंट पे फोकस करती है, स्टोरी टेलिंग पे फोकस करती है। अच्छा। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द बिगर ब्रांड्स आर एसोसिएटेड विद अस। अच्छा, तो आपने ब्रांड्स की बात बोली। शार्क टैंक इंडिया में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि आपके पास 150 ब्रांड्स हैं जिसमें से मैक्सिमम अराउंड 50% से भी ज्यादा का आपका रेवेन्यू उस टाइम शाओमी ब्रांड से आता था। तो आपसे एक सवाल पूछा गया था कि इनकेस अगर वो ब्रांड आपके साथ नहीं रहता तो फिर कैसे होगा? आप कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन वो दिखाया नहीं गया। बोला तो था ही मैंने पर वो एडिट हो गया। बट पॉइंट ये है कि वो 50% रेवेन्यू जो था वो उन 6 महीने का था। अच्छा। और उसके पहले देवर अदर ब्रांड्स आल्सो, जो मैंने जस्टिफाई किया था कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज नॉट 50, और परचेज ऑर्डर्स आगे वाले ब्रांड्स के भी आ चुके हैं। राइट। बट ऑब्वियसली वो एडिट हो गया। But that's not the case, right? I mean, Xiaomi, of course, is a very most loved client in terms of you know the business that they have given us, the support that they gave us during COVID times. But उसके बाद, of course, we have worked with multiple brands, HP, Amazon Prime. उसके बाद KPMG came on board, Mastercard came on board, Zee के साथ किया, Sony TV के साथ किया. तो all this has happened at that time itself, but वो दिखाया नहीं।
तो अच्छा अच्छा। और अश्विनी रोहन ने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी बोला था कि आप ये जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस है, कोई बिजनेस नहीं। वो बोला ही नहीं था हमें, शायद किसी और कंटेस्टेंट को बोला होगा, पर वो एडिट करके हमारे में डाल दिया था। तो वी डोंट रिमेम्बर कि हमें ऐसा कुछ बोला गया, बिकॉज उसका आंसर तो हमने दिया ही था। अच्छा। और हमने जो बोला था वो तो हमें याद ही है। राइट। तो मी एंड माय को-फाउंडर डोंट रिमेम्बर अश्नीर सेइंग समथिंग लाइक दैट, बट आई थिंक वो कन्वीनियंटली फिट हो गया उस नरेटिव में, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से दैट द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन मी एंड इट इज नॉट स्केलेबल, बट नाउ द ट्रुथ इज इन फ्रंट ऑफ यू, आई मीन वी आर सिटिंग विद अ 60 मेंबर टीम एंड बिकॉज हमने डिजिटल में भी फोरे कर लिया है, तो बिजनेस अभी काफी स्केलेबल भी हो गया है। एंड आई थिंक अगर अश्नीर ने वो हमें कहा भी था, प्रोबेबली वी डोंट रिमेम्बर इट, तो उसका भी आंसर हमने उस समय वही दिया था कि बिजनेस अब डिजिटल हो गया है इसलिए काफी स्केलेबल भी हो गया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, देखिए हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास अलग अलग आइडियाज़ है, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड है, कुछ सर्विस बेस्ड है। सो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आइडिया तो है लेकिन वो फर्स्ट कदम ही नहीं उठा पा रहे, तो प्लीज़ आप उनको कुछ नहीं तो आपको मार्केट टेस्ट करना किसी भी आइडिया में बहुत ज़रूरी है आपका, और आइडिया आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू एग्जीक्यूशन की होती है। आपके पास टाइम मशीन बनाने का भी अगर आइडिया है पर अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं तो उसकी कोई वैल्यू ना आप ना कोई आपका कंज्यूमर कर पाएगा ना कोई इन्वेस्टर कर पाएगा। right. और आइडिया काफ़ी सिंपल भी हो सकता है। अच्छा। बट अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ, स्केलेबल बना पाएँ, तो दैट इज़ वॉट मैटर्स। सो आई डोंट थिंक आइडियाज इंडिया में तो हर एक के पास होता है। अच्छा। बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिस्क लेना पड़ता है, जो गट्स चाहिए होते हैं, जो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अच्छा। और उसके बाद इंश्योर करना पड़ता है कि आपने जो इमेजिन किया था वो ट्रांसलेट हो रहा है इन रियल लाइफ, दैट इज व्हाट विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। और आज के टाइम में ऐसा है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हम स्टार्टअप शुरू करें और फंडिंग उठाए और यू नो ज्यादा से ज्यादा पैसा आए हमारी कंपनी में हमारे पास, तो क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि जब भी हम किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं तो वो लोग क्या चीजें देखते हैं हमारे अंदर? पैसा उठाना एक ऑब्लिगेशन है, इट्स नॉट अ गिफ्ट। वो तो आपसे कंपनी खरीद रहे हैं और आपको पैसा दे रहे हैं, तो आप इट्स अ विन विन सिचुएशन, ओनली देन अ डील हैपेंस। तो डेट इज आई मीन रेजिंग फंड्स इज बेसिकली एन ऑब्लिगेशन, कोई एक अचीवमेंट नहीं है। अच्छा। तो जो इन्वेस्टर है वो यही देखता है कि पहला कि टीम और फाउंडर्स कैसे हैं, वेदर दे हैव देयर हेड रैशनली ऑन देयर शोल्डर्स। दूसरा ये देखते हैं कि आपका टोटल मार्केट जो है उस प्रोडक्ट या उस सर्विस की ज़रूरत है या नहीं, और तीसरा वो स्केलेबल है या नहीं। अच्छा। ये तीन बेसिक चीज़ है। उसके बाद देन देर आर मेनी थिंग्स लाइक योर फाइनेंशियल्स, योर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, वो सारी चीज़ें तो देखी जाती है, पर अगर ये तीनों चीज़ें सेट हैं तो डेफिनेटली फंड रेजिंग इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। शायद आपका डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाए अगर आप इनिशियल स्टेज पे हों, बट फंड रेज तो हो ही जाता है बिकॉज मार्केट अभी इतना ओपन हो चुका है। जैसे आपने कहा शार्क टैंक इंडिया आने के बाद में भी आपने फंड रेज किया, तो क्या आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि अगर किसी को अपने स्टार्टअप के लिए फंड चाहिए तो वो किस तरीके से यू नो किस तरीके से लोगों को पिच कर सकता है और कहां पे ढूंढ सकता है? मोर देन 100 इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। आई थिंक फर्स्ट थिंग उनको अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली से एक छोटा राउंड रेज करना चाहिए ताकि कंपनी की एक वैलिडिटी हो जाए। अच्छा। और इक्विटी स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करके आप एक इक्विटी स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइन करें, एक स्मॉल फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड करें जिसके अंदर आप एक छोटा सा फंड मे बी जस्ट 20 लाख 25 लाख आप रेस करें तो एक कंपनी की वैल्यूएशन खड़ी हो जाती है। ओके। उसके बाद आप इंक्यूबेटर्स के पास जाएं, एक्सेलरेटर्स के पास जाएं, दे विल टेक यू फ्रॉम ओवर हियर टू हियर इन नो टाइम। अच्छा। राइट, यू विल हैव टू डाइल्यूट 20-30% राइट इन द बिगनिंग, बट इट्स ओके, आई मीन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लाइक एक बार आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो आपका एक्सपोजर टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स काफी अच्छा होता है, और अगर आप बिजनेस करने लग गए तो देन यू कैन वैल्यू योर कंपनी नो टाइम एंड टेक अ गुड एग्जिट। और आपके हिसाब से आज के टाइम में 2022 में अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको प्रोडक्ट बेस में जाना चाहिए या टेक्नोलॉजी बेस में जाना चाहिए? अब इस चीज में आप बोल सकते हो कि भाई जिसमें एक्सपर्टीज आप उसमें जाइए, जिसमें आप आपका इंटरेस्ट है उसमें जाइए, लेकिन जैसे कि हम पहले भी किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि जब भी फंडिंग रेज की जाती है तो उसमें टेक्नोलॉजी जो कंपनीज होती है उनमें बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिलता है और प्रोडक्ट बेस में मिलता है। नहीं, प्रोडक्ट बेस में भी टेक्नोलॉजी होती है, सर्विस में भी टेक्नोलॉजी होती है। बेसिकली आइडिया है कि जहां पर भी टेक होगा तो बिजनेस स्केलेबल हो जाता है। अच्छा। जरूरी नहीं कि हर स्केलेबल बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, बट स्केलेबल तो हो जाता है, और वैल्यूएशन जो है वो स्केल से मिलती है, प्रॉफिट से नहीं मिलती है। अच्छा। तो दैट इज द रीजन कि आप जो भी बिजनेस करो, एजुकेशन हो, एडवर्टाइजिंग हो, रियल एस्टेट हो, सब में टेक आ जाता है, प्रॉप टेक, एड टेक, एड टेक। राइट। सो वन वे और दी अदर टेक जब तक आपके एक बिजनेस में नहीं आएगा, स्केलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस आर मोस्टली ट्रेडिशनल,
कोई भी नया एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं घुसना चाहता है बिकॉज मार्जिन ही 6-8% का रह गया, देयर आर टू मेनी प्लेयर्स, एंड अनलेस एंड अंटिल लाइक आई सेड यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ टाइम मशीन, एवरीथिंग एल्स इज डन राइट, सो आप क्या ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं राइट। और मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आइडिया तो जबरदस्त है लेकिन उनके पास कोई टेक्निकल बंदा नहीं है, या फिर जैसे कोई भी कंपनी में CTO होता है वैसा कोई नहीं है, तो कहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है? नहीं, को फाउंडर का वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास अगर CTO CFO नहीं है तो यू कैन यूज योर नेचुरल सर्कल टू इंश्योर दैट यू गेट अ टेक लीड और यू गेट अ फाइनेंस लीड, एंड देन यू हैव टू शेल आउट ऑन योर इक्विटी, आपको उनको थोड़ी इक्विटी भी देनी पड़ेगी सो दैट दे नो की कंपनी इस समय पैसे नहीं दे सकती, पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म होराइजन अगर अच्छा है तो दे विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ बाइट ऑफ द कंपनी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए कि आप ऐसे सिनेरियो में होते कि जहाँ पे आप किसी गांव में होते, आपके पास उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है लेकिन आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया जिस पे आपको काम करना है, अब आपके पास कोई ऐसा टेक्निकल बंदा है ही नहीं जिसके थ्रू आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सके, आपके पास आइडिया है, आपको ये पता है कैसे मार्केट में ले जाऊंगा, कैसे क्या होगा, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो और कहाँ से उस बंदे को फाइंड आउट करते? आई डोंट नो, आई मीन ट्रैवलिंग टू द क्लोजेस्ट सिटी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन दैट वुड क्रॉस माई माइंड। अच्छा, मैं सबसे पहले अपने, अगर मैं एक एग्रीटेक बिजनेस में हूँ पर मेरे यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए लोग नहीं है तो शायद मैं कोई एग्रीकल्चर कॉलेज में जाऊँगा, वहाँ के स्टूडेंट्स से बात करूँगा। अच्छा, और वो स्टूडेंट्स मुझे डेफिनेटली एक पॉलिश रास्ता दिखा पाएंगे और शायद उनके प्रोफेसर से कुछ मेंटरिंग ले पाऊँगा ताकि मैं अपने आइडिया को मटेरियलाइज कर सकूँ। तो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, दो इट्स नॉट डेफिनेटिव कि वही करना जरूरी है, बट टू हैव दोज काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू इट डेफिनेटली हेल्प्स। थैंक यू सो मच सर। और मैं एक आखिरी सवाल आप, मतलब एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने आपसे फिर पहले भी पूछा कि अगर कोई भी शुरू करना चाहता है तो जब तक वो शुरू कर रहा नहीं है तब तक क्या है कि मैं कल शुरू करता हूँ और वो कल कभी आता नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि भाई कब से शुरू करना चाहिए? ऐसे लोग अगर कल करके शुरू कर भी दें तो फिर वो परसों और तरसों नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब एक ही दिन कर पाएंगे, राइट? तो आई थिंक जिसको शुरू करना होता है बिजनेस उसने आने वाले नहीं गए हुए कल में शुरू कर दिया होता है। अच्छा, कंसिस्टेंसी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग, हार्ड वर्क, लक, वैल्यूएशन, फंडिंग, गुड आइडिया, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, एक ही चीज मैटर करती है, कंसिस्टेंसी। अच्छा, आप अगर कोई भी एक चीज पकड़ के उसे रोज करें, कंटिन्यूस करें, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा वेर यू विल बी हैप्पी विद योर अचीवमेंट, बिकॉज न सिर्फ लक पे बहुत कम लोग हैं जो यू नो फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल हो गए, बट एवरीबडी एल्स दैट आई नो ऑफ और हु आई हु इंस्पायर मी हैव ऑल मेड इट बिग ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग विच इज कंसिस्टेंसी, एंड दैट इज ऑल्सो माई मंत्रा कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद आता है स्पिरिट एंड द गट्स विच इज अगेन वन ऑफ द टू थिंग्स दैट आई फॉलो टू इंश्योर दैट माई पैशन इज मेकिंग मनी फॉर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको स्टार्टअप्स के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में गाइड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, प्लेजर इज माइन। आई होप कि इससे कुछ एंटरप्रेन्योर्स जिनको कोई गाइडेंस चाहिए थी उनको हेल्प मिले, एंड एनी टाइम दे वॉन्ट टू रीच आउट टू मी आई एम ऑन लिंक्डइन ऑल द टाइम, दे कैन मैसेज मी डायरेक्टली एंड यू नो गेट एनी काइंड ऑफ मेंटरशिप, विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।